तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका जितेंद्र कुमार। आज जो कहानी का सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। अगर आप लोगों ने रश्मि रथी पढ़ी होगी या कभी सुनी होगी तो रश्मि रथी में मोटा मोटी मैं बताऊं तो जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास उसको समझाने के लिए कि आप केवल 5 गांव दे दो, बाकी फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारे लोग प्यार से रहेंगे, अपने अपने जगहों पर रहेंगे, तो दुर्योधन जो है 5 गांव भी नहीं देते। और कहा जाता है कि इसमें जो एक लाइन आती है रश्मि रथी में जो लिखा है कि दुर्योधन वो भी दे न सका जो आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था साधने चला, जो आखिरी की जो लाइन है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी अब चाहे जितनी मांगी हो आप, सारा दिमाग सारा सोचने समते की जो क्षमता या बुद्धिमत्ता जो जितनी अच्छी हो, जब आपका विनाश आपका नाश जब आपके सामने आएगा तो आपकी बुद्धि ऐसे फिरेगी, आपका विवेक ऐसा काम करना बंद करेगा कि आपका कब पतन हो जाएगा आप जान ही नहीं पाएंगे। आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही होता है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका भविष्य इतना उज्जवल था, जिसकी सारी चीजें इतनी अच्छी होने वाली थी, लेकिन एक छोटी सी गलती और पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है कानपुर के बर्रा इलाका से। इसी बर्रा इलाका में एक परिवार रहा करता था। परिवार का जो मुखिया जो थे नरेंद्र कुमार, ये पेशे से एक धुलाई सेंटर था, यानी जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ी धुई जाती है उसी धुलाई सेंटर पे ये काम करते हैं। परिवार में टोटल 4 लोग हैं, नरेंद्र कुमार, इनकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी जिसका हंसिका नाम था। हंसिका पढ़ने लिखने में शुरू से इतने होशियार थी, इतना होनहार इतना होशियार थी कि जब इसने हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो हाई स्कूल में भी लगभग 90% आए। इंटर यानी 12th का जब एग्जाम दिया तो 12th में भी इसमें लगभग उतनी ही नंबर आई। तो इतने अच्छे नंबर आ रहे थे तो परिवार वालों को भी लगा कि कम से कम बेटी पढ़ने लिखने में अच्छी है, ये कुछ कर लेगी, बढ़िया नौकरी पा जाएगी, परिवार की मुफलिसी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, परिवार का नाम हो जाएगा। तो जैसे इसके 12th में ऐसे इतने अच्छे नंबर आए थे, इसके पिता ने कहे तुम तैयारी वगैरह करो। हंसिका भी कहते कि ठीक है मेरा भी मन है। अब चूंकि मैथ्स ली थी यानी मैथमेटिक्स से थी, इसलिए फिर IIT के सपना देखा और IIT ही की तैयारी करना शुरू कर दी। संयोग से कानपुर के ही थे, तो आमतौर पे जो तैयारी होती है या तो कोटा या तो कानपुर, तो कानपुर के ही थे तो कानपुर से कहीं जाना नहीं पड़ा, लिहाजा जो हंसिका थी वो इसी कानपुर से रह करके अपने IIT की तैयारी करने लगी। अब 12th हो ही चुका था, दिन भर घर पे रहती, जब कोचिंग का टाइम होता कोचिंग चली जाती, पढ़ के लौट आती। 1 साल तक इसने कड़ी मेहनत कड़ी लगन के साथ तैयारी की। तैयारी करने के बाद जब एग्जाम दिया जेई मेंस का, तो संयोग से इसके अच्छे नंबर इसके अच्छी रैंक आई। इस वजह से जब ये काउंसलिंग कराई इसको IIT रुड़की मिल गया। अब जब IIT रुड़की मिला तो एक तरह से पूरे परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं था। खासकर जो इस फील्ड में होंगे वो जानते होंगे कि IIT रुड़की मिलने का क्या मतलब है। कम से कम उसका पैकेज लगता तो 10 लाख के ऊपर का। अब IIT रुड़की मिल गया, पूरे परिवार में पूरे रिश्तेदार पूरे मोहल्ले में हंसिका के नाम इस तरह से गूंज हो गई कि हंसिका पढ़ने में इतनी अच्छी है, इतना अच्छा नंबर लाया, वो IIT रुड़की मिल गया उसे। अब सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई, हंसिका की जो घर में वैल्यू थी वो भी बढ़ गई। हंसिका अपने मन की जो भी करना चाहती थी, जो भी खाना होता खाते, जो जैसे घर वाले लाते, कुछ खरीदना होता खरीदते। ऐसे किसी काम से जब 4 अगस्त को हंसिका अपने घर से निकलती है, घर से निकलती है, निकलने के बाद परिवार वालों को लगा कि ये 1 साल पढ़ाई की है बोर हो गई है तो निकली है अपना घूम घाम करके आएगी। परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते। घंटे 2 घंटे बीत जाते, हंसिका आती नहीं। अब लगभग जब 2 घंटे बीत जाते तो हंसिका आई नहीं, तो माँ को थोड़ा टेंशन हो गया कि 2 घंटे हो गए अब तक ये आई नहीं, इतनी देर में आ जाना चाहिए था। अब देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए, अभी तक नहीं आई। शाम हो गई, शाम के लगभग 7 बज गए। 7 बजने के बाद जो नरेंद्र कुमार जो थे वो अपने काम से आ जाते हैं, और एक तरफ माँ छिपा भी रही कि कहीं गुस्सा ना हो जाए, बताऊं कि नहीं बताऊं, साथ ही अब बताना भी था कि 3-4 घंटे से गई आई नहीं। इतने में पिता ने पूछा भी कि हंसिका कहाँ है, माँ ने बताया, पिता भी परेशान, फोन करने की कोशिश की, फोन स्विच ऑफ है। जब फोन स्विच ऑफ तो माँ पिता दोनों परेशान। इधर उधर दोस्तों से पता किया, आसपास के लोगों से पता किया, जहाँ जहाँ हंसिका जाती थी सारे लोगों से पूछा, लेकिन हंसिका का कहीं कुछ भी पता नहीं।
देखते ही देखते रात हो गई। रात के लगभग 10 बज गया। हंसिका अभी तक गायब है। हंसिका का जो फोन है वो स्विच ऑफ है। बार बार फोन किया जा रहा था तो फोन स्विच ऑफ बता रहा। जहां जहां पूछ सकते थे परिवार वालों ने वहां वहां पूछ लिया। जहां जहां हंसिका कभी जाती थी हर उस जगह पे छानबीन कर ली। हंसिका का कुछ भी कहीं से पता नहीं। अब पूरे परिवार वाले खासकर जो माता पिता थे दोनों सर पे हाथ रख करके बैठे कि बेटी कहाँ चली गई कहाँ चली गई। इतने ही देर में लगभग रात के 10:30 बज रहे होंगे। जो पिता थे नरेंद्र कुमार इनके मोबाइल के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। और मैसेज आता है तो मैसेज अपना व्हाट्सएप खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि ये जो मैसेज है ये हंसिका के ही मोबाइल से आया है। अब जैसे ये चीज की बेटी इधर 5 घंटे से गायब है 5 घंटे बाद उसने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया। फॉर मैसेज ओपन करते हैं तुरंत। और जैसे वो मैसेज ओपन करते हैं तो देखते हैं कोई वीडियो आया है और कुछ ऑडियो क्लिप आया है। फौरन वीडियो को खोला गया। अब जैसे वीडियो खोलते हैं तो वीडियो में जो कुछ भी दिखा उसे देखने के बाद माँ बाप का कलेजा एक तरह से दहल जाता है। दरअसल उस वीडियो में जो हंसिका है एक कुर्सी पे एक चेयर पे एक बंदी बैठाई गई है। उसे को किसी ने बैठा करके बांधा है। पूरे पसीने से तरबतर थे उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो पीटा हो टॉर्चर किया हो। साथ ही उसके साथ एक मैसेज था उस पूरी वीडियो क्लिप के साथ कि अगर अपनी बेटी को सही सलामत जिंदा चाहते हो तो 10 लाख रुपये अपनी ही बेटी के अकाउंट में डाल दो। मैं उसे कहीं कहीं निकलवा लूंगा और जब डाल दोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। अगर 3 दिन के अंदर पैसे नहीं डालते हो तो बेटी की लाश लेने के लिए तैयार रहना। अब ये वीडियो साथ ही ऑडियो पिता और माँ दोनों देखते हैं। देखने के बाद बदहवास अब क्या करें। ऐसा भी पैसा भी नहीं था कि कोई करोड़पति था कोई लखपति थे वो और तुरंत 10 लाख देकर के बेटी लेकर के आ जाते। एक आदमी जो साफ सफाई का काम करता हो वो भी किसी और के दुकान पे और 10 लाख रुपये 3 दिन के अंदर लाएगा कहाँ से। पिता ये वीडियो देखता उसका कलेजा फट गया। माँ इधर रो रो करके बुरा हाल थी। जवान लड़की किडनैप हो गई है ऐसा कुछ हो गया तो क्या करें। भाई भी इधर परेशान। उसके बाद से फोन करने की फिर कोशिश हुई कि चलो बात करते हैं जो भी किडनैपर है उनसे कुछ डील करते हैं समझौता करते हैं। फोन फिर से स्विच ऑफ आया। अब इधर एक मैसेज आया और फिर से फोन स्विच ऑफ हो गया। व्हाट्सअप वीडियो कॉल कुछ भी लग नहीं रहा था। माँ पिता दोनों लोग परेशान। रातों की नींद उड़ गई क्या करें। इसी उधर बुन में कि क्या करें क्या लगभग 2 बज गए। पिता को ये पता था कि 10 लाख रुपये 3 दिन में मैनेज तो नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए फिर उन्होंने एक काम किया कि चलते हैं पुलिस वालों को ही बताते हैं कि ऐसा कुछ हो गया है। लिहाजा लगभग रात के 2:30 बजे जो पिता था नरेंद्र कुमार वो थाने जाता है। जाने के बाद पूरा वाकया बताता कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और साथ ही इतने रुपये मांग रहा है। अब रात के 2:30 बजे ऐसी कंप्लेंट पुलिस वालों की नींद उड़ी कि यह क्या मामला है कौन हो गया जो ऐसे इलाके में किडनैप कर लिया जा रहा है। और पूछते हैं कि बेटी कहाँ गई थी कहाँ से किडनैप हुई थी। फिर बताते हैं कि बेटी किसी काम से निकली थी फिर अचानक से गायब। 10 बजे ये वीडियो आया। अच्छा हैरानी की बात थी जो वीडियो आया वो वीडियो भी उसी लड़की की ही मोबाइल से आई। पुलिस वालों ने भी वीडियो देखा उस पर दिख रहा कि लड़की बंधी हुई है पसीने से तरबतर है कपड़े अस्त व्यस्त हैं। पुलिस वालों को भी लग गया कि ये मामला जो है ये संगीन है। इधर पिता को समझा बुझा करके घर भेजा गया कि आप जाइए मैं हम खोज लेंगे। जो डिटेल वगैरह चाहिए थी वो ले ली गई। अब एक माँ जो होती है उसका कलेजा क्या होता है उसको बताने की कोई जरूरत नहीं। पिता ने भले ही कंप्लेन किया लेकिन माँ कह रही थी चाहे जो करो पैसे की जुगाड़ करो पैसे की व्यवस्था करो पुलिस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो क्या पता मेरी बेटी को मार दे इसीलिए पैसे की जुगाड़ करके मेरी बेटी को लेकर के आओ। पिता को भी लगा अगर हाँ हम पुलिस के चक्कर में पड़ते हैं तो क्या पता हमारी बेटी को कुछ ऐसा वैसा कर दे। तो पिता भी अब अगले दिन सुबह होते ही निकल जाता है पैसे की व्यवस्था करने। और इतनी ही देर में जो भाई है उसके मोबाइल पे फोन आता है। भाई के मोबाइल पे फोन आता है। फोन करने वाली हंसिका ही होती है। फोन उठाता है बेहद घबराई आवाज में सामने से हंसिका बोलती है कि क्या हुआ पैसे की व्यवस्था हुई। अब जैसे ही ये बात पूछती है कहती है तो भाई कहता है कि पैसे की व्यवस्था करने के लिए पापा गए हैं सोमवार तक कर देंगे। उसके बाद जो बहन हंसिका वो रोने लगती है और रोने के साथ साथ कहते हैं कि भैया प्लीज चाहे जैसे करके हो पैसे की व्यवस्था करा दो। ये लोग मुझे इतना मार रहे हैं इतना टॉर्चर कर रहे हैं अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे मैं आपको बता भी नहीं सकती।
इतना कहने के बाद फिर हंसिका रोने लगती है। बहन के रोने की आवाज सुनकर के भाई का भी कलेजा फट जाता है, फौरन माँ फोन कर ले लेती है, लेकिन तब तक फोन कट कर दी जाती है। अब ऐसी हालत जब भाई के मुंह से माँ जब सुनती है तो माँ बेहोश हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इधर पिता अपने गांव में जाता है, अपने सगे संबंधियों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से जितने भी हो सकते थे उतने रुपए मांगता है और शाम को 5 लाख रुपए लेकर के आता है। 5 लाख रुपए लेकर के आता है, उसके बाद से अपने 5 लाख रुपए और एक दिन का टाइम था। पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैनेज हूँ, कहाँ से मैनेज करूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ से मिल सकता था वहाँ से हर जगह से वो ले लिए, अब कहाँ से लाई। पिता बेचारे एकदम दिल पकड़ के बैठ गए। माँ का भी इधर कलेजा फट रहा, लेकिन इसी बीच एक और फोन आता है। फोन करने वाले फिर से हंसिका ही होती है और हंसिका फिर कहती है कि माँ कहाँ है। पता चलता है कि माँ बीमार है, बेहोश है, उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद से फिर अपने पिता से कहते कि पापा 5 लाख रुपये और जुगाड़ कर लो, क्योंकि जब पिता ने बताया कि 5 लाख हो गए, बाकी मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे बेच देंगे, मार डालेंगे। यानी तमाम तरीके से वो दरिंदगी, तमाम तरह की वो चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, हर वो चीज़ उस लड़की बता रही थी कि आप जल्द से जल्द पैसे डाल दीजिए, नहीं तो ये लोग मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे जिसकी कल्पना आपने और मैंने दोनों ने नहीं की है। पिता सुनता और सुनने के बाद बेचारा रोने लगता है, रोने के बाद फिर जाता है। अब कहाँ से व्यवस्था करें, घर से लेकर के गहने से गहने तक बेचने की सारी चीज़ कोशिश करते हैं कि कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन जब पुलिस कंप्लेन की थी तो पुलिस वालों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। सबसे पहले पुलिस वालों ने नंबर चेक किया तो पता चला ये नंबर उस लड़की का ही है। उसके बाद से उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो लास्ट लोकेशन थी वो तो कानपुर थी, पुलिस वहाँ जाती है तो वहाँ कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ था, तो फिर जब फोन स्विच ऑफ था, सिम निकाल दिया गया, तो फिर लोकेशन कैसे ट्रैक होगा। अब पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ रही है, इधर समय घटता जा रहा है कि 3 ही दिन का टाइम है, लिहाजा पुलिस वाले भी अब 5 टीमें बनाते हैं। एक टीम टेक्निकल होती है, एक क्राइम ब्रांच होती है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग 5 टीमें बनती हैं। और पांचों टीमों को यही कहा गया कि जो वहाँ के SP थे, उन्होंने कहा कि सारे केसों को छोड़ो, इस केस को सुलझाओ, क्योंकि एक लड़की है और वो खतरे में, उसको बचाया जा सकता है। फिर क्या था, पुलिस वालों ने अलग अलग टीमें जो बनी थी सब ने अपने अपने हिसाब से जाँच पड़ताल शुरू की। जो टेक्निकल टीम थी जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, साथ ही जो पुलिस की टीम थी वो अपनी पूछताछ शुरू की उस लड़की के दोस्तों से, साथ ही अलग अलग चीज़ों से। जो क्राइम ब्रांच थी उसने खुद उस लड़की के बैकग्राउंड को खंगाला, और जब बैकग्राउंड को खंगाल रहे थे, उसके व्हाट्सएप को चेक किया गया, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक किया गया, तो सारी चीज़ें तो ठीक मिली, लेकिन उसकी लास्ट जो पोस्ट थी वो कहीं ना कहीं डाउटफुल थी। दरअसल गायब होने के कुछ ही पल पहले जो एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और इस पोस्ट में एक लड़का दिखाई दे रहा था। अब ऐसे लड़का जब दिखा तो पुलिस वालों को लगा कि एक काम करते हैं, इस लड़के से बातचीत करते हैं, क्या पता कुछ क्लू मिल जाए, पुलिस वालों उस लड़के के बारे में पता करते हैं। तो पता चलता कि जब से ये लड़की गायब है तब से ये लड़का भी गायब है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जब से लड़की गई है तब से लड़का भी गया, या तो इन दोनों को किडनैप किया गया। लेकिन इन दोनों को अगर किडनैप किया गया है तो लड़के के घर वालों के पास भी तो फिरौती की रकम मांगी जानी चाहिए ना, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, फिर क्या था। जब ये चीज पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वालों की जो शक की सुई है कहीं ना कहीं उस लड़के के ऊपर घूम गई। और जब पुलिस की शक उस लड़के के ऊपर घूमी तो घूमने के बाद पुलिस वालों ने CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया कि लड़की कहाँ गई थी, कहाँ से गायब हुई, कहाँ तक जा रही थी, किस कैमरे में कैद है। उसके कैद होना बंद हो गया तो तमाम चीज़ें चेक की गई, तो संयोग से जिस टाइम गायब हुई उस टाइम भी इसके जो लोकेशन थे उसी लड़के की साथ थी, और ये और वो लड़का दोनों एक कैमरे में साथ ही दिख रहे थे, वो भी पैदल चलते हुए। अब पुलिस वालों को लग गया हो न हो इस मामले में ये लड़का जरूर कुछ जानता है। फिर क्या था, तब तक ये नंबर जो सर्विलांस पे इस लड़की का लगा था, इस लड़के का भी नंबर सर्विलांस पे लग गया। लड़की का फोन तो स्विच ऑफ था, जो लड़की का जो फोन था वो स्विच ऑन है, लोकेशन अब ट्रैक की जाने लगी। इसी दौरान एक लोकेशन लखनऊ की मिली, इससे पहले कि लखनऊ पहुंचते जो लोकेशन थे वो बस्ती पहुंच गई, यानी लोकेशन भी अब शिफ्ट हो रही है। और इसी दौरान लड़की के अकाउंट से 1,000 रुपये भी निकाले गए, और निकाले गए तो ये भी पता चला।
तब कहीं ना कहीं पुलिस वालों की जो शक की सुई थी वो किसी और ही दिशा में चली गई। अंत में सारी चीजें इस लड़की को बरामद किया गया, साथ ही उस लड़के को गिरफ्तार किया गया बस्ती के एक होटल से। बस्ती के एक होटल से जब गिरफ्तार किया गया, दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली बैठे हुए थे। वहां से जब बरामद किया गया, बरामद करने के बाद दोनों को लाया गया, तो लाने के बाद फिर सवाल यही था कि जब लड़की किडनैप हो गई थी, इसका अपहरण हुआ था, तो ये आराम से एक होटल के कमरे में बैठी हुई क्यों थी। बस इसी सवाल का जवाब जो पुलिस वालों ने ढूंढा, तो जो कहानी निकल के सामने आई, वो कहानी अपने आप में बेहद शर्मनाक भी थी, बेहद खौफनाक भी थी। दरअसल ये लड़की जब तैयारी करने के लिए कोचिंग जाती थी, तो इसी दौरान इसकी एक लड़के से मुलाकात हो गई जिसका नाम था राज सिंह। राज एक यूट्यूबर, यानी यूट्यूब पे भी अपनी वीडियो डालता था, लेकिन उसके हिसाब से न व्यूज थे न उसके सब्सक्राइबर थे। तो वीडियो डालता भले था, लेकिन न कमाई हो रही थी न कुछ। फिर भी इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो इन दोनों ने शादी करने की फैसला किया। इस किस्मत का खेल के दोनों ही 18+, फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली 22 मई 2023, यानी इसी साल के मई महीने में। अब कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अब कोर्ट मैरिज करने के बाद भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो जो हंसिका थी, इसने सोचा कि शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल क्यों नहीं। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड राज से कहा कि अगर शादी हो ही गई तो तुम मुझे लेकर के नहीं चल रहा। तो राज कहता कि मेरे पास पैसे नहीं, और तुम्हें लाने का मतलब एक बीवी की जिम्मेदारी, उसका खर्चा उठाना, शादी करना, ये सारी चीजें आम बात थोड़ी ना। जब तक पैसे नहीं होते तुम वहीं रहो। अब राज ने तो इतना कह दिया, लेकिन जो हंसिका है एक अपनी जिद पे अड़ जाते कि पैसे चाहिए, चाहे जैसे करो मुझे नहीं मतलब, मुझे अपने साथ रखो। अब जैसे हंसिका ये कहती है, तो राज कहता है एक काम करो कि तुम ही पैसे लेकर के आ जाओ, लेकिन इसे भी पता होता कि मैं पैसे कहां से लाऊं। फिर इन दोनों ने काफी टाइम तक सोचा कि क्या करें कि जिससे पैसे आ जाएं, फिर हम दोनों साथ रहें। तो जब पूरी कोई तरीका समझ में नहीं आया, फिर इन दोनों ने अपने ही किडनैपिंग की, यानी इस लड़की ने, हंसिका ने अपने ही किडनैपिंग की, एक खौफनाक साजिश रची। और ये शाम को निकलती है, 4 अगस्त को निकलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के रूम पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपने आप को रस्सी से बंधवाती है खुद के ऊपर, 15 मिनट तक पंखा चल करके एक्सपेरिमेंट करवाती है ताकि पसीने वगैरह हो जाए। उसके बाद एक गर्मी से लथपथ बाल वगैरह उसने उजार लिए। उसके बाद ये फिर वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इसको जो है मेरे पापा के व्हाट्सएप पे भेजो। साथ ही एक IIT रुड़की जैसे संस्थान में जब एडमिशन होने वाला था, ये टेक्नोलॉजी वाला अच्छी जानती थी, तो ये कंप्यूटराइज वॉइस चेंजर का सहारा लिया और उस राज को कहा कि तुम अपनी आवाज में धमकी दो। राज अपनी आवाज में बोलता है, वॉइस जो चेंजर था वो उस आवाज को बदलता गया, और फिर एक धमकी भरी खौफनाक आवाज पहुंचती है और बाप जो है वो डरता है। लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही इधर से उधर भटकती रही, इधर से उधर घूमती रही, लेकिन अब कहीं भी रहने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे कहीं ये फिर लखनऊ से अपने अकाउंट से 1,00,000 रुपये भी निकाले, सॉरी 1,000 रुपये भी निकाले, और इसके पिता ने 3,00,000 रुपये इसने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिए। अब ये राज जो था ये ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत अच्छा है, साल 2020 में एक चोरी के मामले में जेल जा चुका है। साथ ही अपने भाई के साथ, उसके एक भाई जो शिखर का नाम पनकी, उसके साथ एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। यानी पुलिस के नजरों में जो राज सिंह है पहले से ही हिस्ट्री सीटर है वो, और ऐसे हिस्ट्री सीटर के साथ ही लड़की प्यार करती है। प्यार करने के साथ में अपने घर वालों के सामने ही ऐसा गंदा खेल रचती है। अब पुलिस वाले जब गिरफ्तार करके इन दोनों को लाते हैं, लाने के बाद जब जेल में डालते हैं, और जब मीडिया पहुंचती है जब पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इस पे इस लड़की बेशर्मी से कहते हैं कि मेरा परिवार है, मैं चाहे जो करूं तुमसे क्या, क्योंकि अभी भी ये ना आपको इसको आत्मगलाने की मुझसे गलती हुई, अभी भी वही बातें बोल रही है। जब इसको जेल डाला गया और लड़की को अलग और लड़के को अलग, तो इन दोनों को यही डिमांड थी कि हम दोनों को एक साथ रखा जाए। हद लेवल की बेशर्मी है। फिलहाल ये थी पूरी कहानी। एक लड़की जो शुरू में मैंने कहा कि जिसका इतना भविष्य उज्जवल था, जो कि इसका अच्छा खासा पैकेज लगता, IIT रुड़की में पढ़ता, और उसके बाद शादी करती, भाग जाती, चाहे कुछ भी करती, 4 साल का बीटेक इससे हो नहीं पाया। उससे पहले चाह रही थी कि बॉयफ्रेंड के साथ रहूं, लेकिन ये 4 साल बाद अगर बॉयफ्रेंड के रहती, इसकी किस्मत
जैसी थी इसकी किस्मत वैसी थी इसकी बुद्धि। जय हिंद, जय भारत।